हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। सो टुडे वी आर आई एम गोइंग टू सॉल्व सम एक्सरसाइज क्वेश्चन। एज यू नो दैट कि टिक द करेक्ट ऑप्शन, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, आपकी मैम ने करवा दिया है। आंसर ईच इन अ फ्यू वर्ड्स ओनली। तो इसमें से आपको क्या करना है कि टिक द करेक्ट ऑप्शन, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स एंड आंसर ईच इन अ फ्यू वर्ड्स ओनली। लास्ट वाले को आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर को आपको कॉपी में कर लेना है, और जो ऊपर के तीन हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स को आपको बुक में ही करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास। आज हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, आंसर ईच इन वन और टू सेंटेंसेस। सो स्टूडेंट्स, आप में से जो भी अभी नया है या जिसने भी पार्ट वन वीडियो, एक्सरसाइज सॉल्यूशन के पार्ट वन वीडियो नहीं देखी है, वो चैनल पे जाके देख लेंगे। पुरानी वीडियोस एडेड हैं, आपका क्लास वहाँ पे चैप्टर के साथ टाइटल पे है, उसमें आप अपना जाके क्लिक करिए और पूरा एक्सरसाइज सॉल्यूशन का वीडियो देखिए। सेकेंड थिंग ये कि ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एनिमल, ठीक है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स में के बारे में जिसमें बताया गया है, ह्यूमन डाइजेशन के बारे में। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को चैप्टर एक्सप्लेनेशन के वीडियो भी, जिन भी स्टूडेंट ने नहीं देखा है वो देख लेंगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है और नॉलेज ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन आंसर पार्ट ई। ओपन योर बुक पेज नंबर 21। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे जिन भी बच्चों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था, आंसर बताया था फिल इन द ब्लैंक्स का, उनका नाम लेंगे। आपका कौन है ये, नेम प्रियांशु पाल, क्लास सेक्शन बी, क्लास सेवन सेक्शन बी। आंसर तो सही है, ठीक है। मैम ने आपको होमवर्क में क्या दिया था, फिल इन द ब्लैंक्स दिया था, सेकेंड वाला, डैश इज द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो आंसर इज करेक्ट, आंसर क्या है हमारा, माउथ, बट स्पेलिंग इज रॉन्ग। प्रियांशु पाल, स्पेलिंग इज रॉन्ग, माउथ की करेक्ट स्पेलिंग क्या है, एम ओ यू टी एच, माउथ, योर स्पेलिंग इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट रिप्लाई जो किया है उन्होंने, शांभवी श्रीवास्तव, क्लास सेवन थे, योर आंसर इज करेक्ट एंड स्पेलिंग इज ऑल्सो करेक्ट। नवीन रावत, क्लास सेवन सेक्शन वी, योर आंसर इज करेक्ट एंड स्पेलिंग इज ऑल्सो करेक्ट, गुड। आपने बहुत अच्छे से मेंशन की है सारी चीज़ें, सारे स्टूडेंट ऐसे ही करेंगे, फर्स्टली गुड मॉर्निंग, देन नेम, सेक्शन, आंसर, गुड गुड नवीन। नेक्स्ट है रिमझिम राय, क्लास सेवन्थ, योर आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। सौम्य दिवाकर, क्लास सेवन सेक्शन ए, योर आंसर इज करेक्ट। शालिनी, क्लास सेवन सेक्शन ए, योर आंसर इज ऑल्सो करेक्ट, गुड गुड। स्टूडेंट्स, आज काफ़ी कमेंट्स आए, सो दिस इज़ अ गुड रिस्पॉन्स। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। कौन कौन पढ़ाई कर रहा है, उन सबके नाम तो मेरे पास आ गए हैं, ठीक है। तो आप लोग ने देखा कि यहाँ पे नवीन रावत ने जो कमेंट किया है वो काफ़ी अच्छे से मेंशन वे में किया है, ठीक है। यहाँ पे पहले मैम को विश किया है, नेम, क्लास, फिल इन द ब्लैंक्स, आंसर इज माउथ, ठीक है। ऐसे वे में आप यूज़ कर सकते हैं ऐसे लिख करके। तो वेरी गुड नवीन, आप लोग ऐसे ही मेंशन करते रहिए, इससे मुझे पता चल रहा है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं घर पे। नाउ आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज सॉल्यूशन नेक्स्ट पार्ट। सो स्टूडेंट्स, ओपन योर कॉपी, राइट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिव वन डिफरेंस बिटवीन इंजेशन एंड ईजेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिव वन डिफरेंस बिटवीन इंजेशन एंड ईजेशन। राइट द आंसर। आंसर नंबर फर्स्ट इज
The process of intake of food is called ingestion. The process of intake of food is called ingestion. And the waste material out from the body is called egestion. The process of intake of food क्या है? Ingestion है और waste material out from the body is called egestion. Write the answer. Complete your answer with the correct spelling. Now next question, question number 2. What is mastication? What is mastication? तो mastication क्या होता है? ये है answer, आप लोग लिख लीजिए जल्दी से. What is mastication? Answer is, the grinding of food into smaller pieces is called mastication. Write down the answer. The grinding of food into smaller pieces is called mastication. Now next question, question number 3. Question number 3. Mention the role of villi in a small intestine. So students, अगर आप लोग ने chapter explanation के video देखे होंगे तो आपको ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी लगेगा, क्योंकि मैम ने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं आपकी. आपकी मैम आपको बुक से पढ़ाती हैं. क्यों पढ़ाते हैं? जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो सके. ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है. मेरे ख्याल से ये अगर मैं होमवर्क में देती तो सारे बच्चे करके दे देते, बट फिर भी यहाँ पर आंसर मैंने PDF में बना दिया है, तो आप लोग लिख लीजिए. मेंशन द रोल ऑफ विलाय इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाय का क्या काम होता है? फूड इज एब्जॉर्ब इन स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू विलाई. फूड इज ऑब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू विलाई. लिख लीजिए आप लोग आंसर. राइट डाउन द आंसर. फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू विलाई. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. Write the names of 4 chamber of stomach of the ruminant. ये भी बहुत easy है. Write the names of 4 chamber of the stomach of a ruminant. Answer क्या है? आप सबको पता है, क्योंकि मैम ने आप सबको पढ़ाया है. Ruminant के stomach के कौन कौन से 4 chamber होते हैं? Ruminant have 4 chamber. First, rumen. पहले को हम क्या कहते हैं? रूमेन. दूसरा रेटिकुलम. थर्ड इज ओमेसम. फोर्थ इज एबोमेसम. राइट द आंसर. Write down the answer. Now next question, question number 5.
करेक्ट स्पेलिंग लिखना है आप लोगों को, स्पेलिंग कोई गलत नहीं करेगा। हाउ डू रूमिनेंट्स डाइजेस्ट सेलुलोज, क्वेश्चन नंबर 5। हाउ डू रूमिनेंट डाइजेस्ट सेलुलोज, आंसर राइट डाउन द आंसर नंबर 5। सेलुलोज डाइजेस्ट इन रूमेन विद द हेल्प ऑफ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। राइट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सेलुलोज डाइजेस्ट इन द रूमेन विद द हेल्प ऑफ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सो स्टूडेंट्स, ये वाली क्लास यहीं पे एंड होती है। इसके आगे का पार्ट मैम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगी। थैंक यू।